द कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। फिल्म ने दर्शकों को भावुक कर दिया है और प्यार की बौछार कर दी है, जिसके परिणाम स्वरूप बॉक्स ऑफिस पर बड़ा मुनाफा हुआ है। 200 करोड़ के रास्ते पर द कश्मीर फाइल्स पहले ही 12 दिनों में 190 करोड़ रुपए कमा चुकी है। महामारी के बाद फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। जानिए फिल्म के लिए कास्ट ने कितनी फीस ली है। अनुपम खेर की पुष्कर नाथ पंडित ने दर्शकों को आंसू बहाए। उन्होंने कथित तौर पर मुख्य लीड में से एक के रूप में 1 करोड़ रुपए चार्ज किए, जबकि मिथुन चक्रवर्ती ने कथित तौर पर IAS अधिकारी ब्रह्मदत्त के रूप में अपनी भूमिका के लिए 1.5 करोड़ रुपए कमाए। फिल्म में कृष्ण पंडित की भूमिका निभाने वाले दर्शन कुमार ने कथित तौर पर 45 लाख रुपए लिए और एक पुलिस वाले की भूमिका निभाने वाले पुनीत इस्सा को कथित तौर पर 50 लाख रुपए मिले। कथित तौर पर पल्लवी जोशी को उनकी भूमिका के लिए 50-70 लाख रुपए मिले, जबकि निर्देशक विवेक अग्निहोत्री को कथित तौर पर 1 करोड़ रुपए मिले। कई लोगों ने हाल ही में द कश्मीर फाइल्स पर कल्पना का काम होने का आरोप लगाया। निदेशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने PTI भाषा से कहा, कुछ समूह कश्मीर को एक व्यवसाय के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी फिल्म ने इसे खत्म करने की कोशिश की। जिन लोगों को इसका फायदा हुआ है वे परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आतंकवाद पर कोई बहस नहीं हो सकती। हमने यह दिखाने की कोशिश की कि जब उग्रवाद एक समुदाय में प्रवेश करता है और उसे वैचारिक रूप से समर्थन दिया जाता है तो यह आपदा की ओर ले जाता है।